जी चुके थे, अब इसके लिए ठंड पा जाते हैं। हमने क्या बता दिया था, कुछ चेक करना बताया था कि सामेटिक है या नहीं, वो चेक करना सिखा दिया। ठीक है चलिए और बातें करते हैं। हाँ तो हम क्या क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ये चेकिंग साइमेट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक है ना, ये हम चेकिंग करने बता रहे, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक हम चेक करने के लिए बता रहे थे कि इसको हम लोग आखिर कैसे चेक करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है चेक करना। देखिए पहला बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे इसको कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे किसी ने कह दिया ए माइनस ए का ट्रांसपोज, बताइए क्या है साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक। जैसे दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट मानना है। सबसे पहले मान लिया ये जो मेरे पास दिया हुआ है बी बराबर में दिया हुआ है बी माइनस सॉरी ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जैसे आपने कर दिया तो आपको चेक करना है कि स्क्यू है या साइमेट्रिक है। ऐसा कब होता है, साइमेट्रिक कब होता है, जब आप किसी मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज लगाते हैं और वापस वही आंसर आ जाता है। जैसे मैं इसको पहले सबसे पहले क्या लगाऊंगा ट्रांसपोज, अगर यही आ गया तो बोलूंगा ये साइमेट्रिक है, अगर ये माइनस के साथ आया तो क्या बोलूंगा स्क्यू साइमेट्रिक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बी पर ट्रांसपोज लगाते हैं, किस पे ट्रांसपोज लगाते हैं बी पे। अगर बी पे आपने ट्रांसपोज लगाया तो आपको इसका मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी के बराबर ये है ना। अगर इस पर ट्रांसपोज लगाया तो इस पर भी लगाना पड़ेगा ना आपको, इसका मतलब ये कि ये बन जाएगा ट्रांसपोज और ये बन जाएगा ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के ऊपर। और आपको पता है ये तो कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे पता है ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ट्रांसपोज के ऊपर अगर हमने ट्रांसपोज वापिस से लगा दिया तो आंसर क्या आना है। लेकिन ये तो मिला नहीं बी के बराबर। अच्छा मिलेगा कैसे, मिलेगा ऐसे कि आप उससे पहले सबसे पहले माइनस कॉमन करो। जैसे आपने माइनस कॉमन कर लिया तो ये बन गया ए प्लस का और ये किसका बन जाएगा माइनस का। तो देखो क्या नहीं लगता, ये बी नहीं है क्या, अंदर का बी है ना, इसका मतलब माइनस और ये बी, और आपने बी का ट्रांसपोज किया और आपके पास ये माइनस के साथ बी आ गया तो किसकी निशानी साइमेट्रिक है, स्क्यू साइमेट्रिक है। गुड, तो दिस इज द स्क्यू साइमेट्रिक, ये अपने आप में स्क्यू साइमेट्रिक आ गया। इसे हम लोग चेकिंग करते हैं स्क्यू साइमेट्रिक, ये अपने आप में क्या आ गया स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल मेरे पास है मैं वो भी करवा देता हूँ। जैसे देखिए अगला एग्जांपल है, मान लीजिए आपने ए इंटू ए का ट्रांसपोज, अब इसे ये पूछा गया कि बताओ ये क्या है, तो सबसे पहले एक ही काम करना है कि बी बराबर मैंने ये मान लिया कि ए और ए का ट्रांसपोज, फिर मैं इस पर ट्रांसपोज लगाऊंगा। जैसे मैंने इस पर ट्रांसपोज लगाया तो आपको पता चल जाएगा इधर भी फिर ट्रांसपोज लगाओ। अच्छा कितने लोगों को मैंने ये समझा दिया था ना कि अगर किसी ने कह दिया ए बी का ट्रांसपोज करो तो सबसे पहले बाहर कौन आएगा, पीछे वाला, यानी बी पहले आएगा उसके बाद ए आएगा, यही कहानी सेम टू सेम इधर भी है ना। तो पहले कौन बाहर आएगा, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर कौन आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, मतलब पहले जो लास्ट में वो पहले आएगा, जो पहले है वो लास्ट में जाएगा। और आपको पता है ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज क्या होता है ए, और ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। नहीं लगता कि फिर से तो वही आ गया, फिर से तो बी आ गया, और अपने बी का ट्रांसपोज किया वापस से बी आ गया, आपकी बार माइनस के साथ नहीं आया इसीलिए आपने अपने साइमेट्रिक हो गया। अगर माइनस के साथ आता तो क्या कहलाता, लेकिन ये प्लस के साथ आया बी तो वो साइमेट्रिक था। तो ये सब हम लोग चेकिंग करने का नियम है। ठीक है अब देखिए अब थोड़ा सा और आगे आपको बता देते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए अभी आप थोड़ा सा और आगे देखिए। ठीक है अब क्या है जितने भी चीज है, अब क्या है आपको मैं पूछूंगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए पहले, क्वेश्चन क्या करो, देखिए पहले तो आराम से देखिए। आप कहता है कि यदि ए एंड बी, ए और बी आर टू स्क्यू साइमेट्रिक, ये कैसा है भाई स्क्यू साइमेट्रिक है, पहली बार इसने बोला कि दो स्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है स्क्यू साइमेट्रिक है मानते हैं, सॉरी साइमेट्रिक, टू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, टू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देन फिर अपन ख्याल पेश करें किसके बारे में, ए प्लस बी के बारे में। दूसरा इसमें क्वेश्चन है ए बी प्लस बी ए के बारे में, और तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि ए बी माइनस बी ए के बारे में, इसके बारे में क्या ख्याल रखता। मैंने कहा ठीक है अभी कर देते हैं इसको। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सीखा है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ए बी अपने आप में साइमेट्रिक है। ए बी कैसा अपने आप में, अगर ए बी साइमेट्रिक है, पहली बार सही बोला है क्या, ए बी साइमेट्रिक है, ए एंड बी आर कैसा है ये अपने आप में साइमेट्रिक है। अगर ये साइमेट्रिक है तो मुझे पता चल गया कि जिस दिन मैं ए का ट्रांसपोज कराऊंगा उस दिन ये आया होगा, ये साइमेट्रिक है। अरे ए बी कैसा है भाई, साइमेट्रिक है तो ए पे ट्रांसपोज करने पर ए आया होगा,
और बी पे ट्रांसपोज करने पर वापिस से क्या आया बी, ये इस बात को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसा हुआ। अगर इसने चल के बोला है कि ए भी साइमेट्रिक है तो किसी ने ए का ट्रांसपोज किया होता है ए आएगा और बी का ट्रांसपोज क्या होगा बी आएगा, चल के बोला है कि साइमेट्रिक है। अच्छा अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें, और एक बात कहता है तो फिर इसके बारे में सोचिए। पहले मैं ए और बी के बारे में सोचता हूँ, तो मैंने क्या किया ए और बी के बारे में ट्रांसपोज देके सोचा कि आखिर ये क्या है। अगर ये ए भी डायरेक्ट ए भी बाहर निकल गया तो बोलते हैं ये साइमेट्रिक है, अगर मैंने इसके साथ आ गया तो इसको साइमेट्रिक है। इसका मतलब ये बन जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस में किसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज खुद कितना है ए और बी का ट्रांसपोज खुद कितना है बी। देखो आपका तो वही डायरेक्ट बाहर आ गया, जो था वही आ गया। इसका मतलब ए बी का आपने ट्रांसपोज किया और वापिस से आपको ए बी ही मिल गया, तो किसकी निशानी है साइमेट्रिक है इसकी साइमेट्रिक है, ये तो साइमेट्रिक बन गया है ना, तो दिस इज द साइमेट्रिक सही। क्योंकि आपको पता है ए का ट्रांसपोज तो ए होता है और बी का ट्रांसपोज क्या होता है बी, तो इस तरह लिख देना फ्रॉम स्टार्ट हमने देखा था पहले ए का ट्रांसपोज ए होता है बी का ट्रांसपोज बी। अच्छा ये तो फर्स्ट टेस्टिंग मेरा हुआ, सेकंड टेस्टिंग पे बात करते हैं। सेकंड टेस्टिंग क्या है कि ए बी प्लस बी ए के बारे में क्या सोचते हैं, फिर मैंने ट्रांसपोज लगाया। जैसे ट्रांसपोज लगाया तो पहली बार तो ये अलग अलग लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज अलग और प्लस में बी ए का ट्रांसपोज अलग, ये पता है ना। इसके बाद हमने पहले कल जस्ट बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज पहले बाहर कौन निकलेगा बी या ए, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, फिर उधर से निकलेगा ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। और आपको ये पता है कि बी का ट्रांसपोज खुद कितना होता है बी, और ए का ट्रांसपोज खुद कितना होता है ए, और फिर ए का ट्रांसपोज कितना होता है ए, और बी का ट्रांसपोज कितना होता है बी। इसका मतलब ये बन गया बी ए और प्लस में कितना बन गया ए बी, और हम चाहे इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस में कितना बी ए। क्या लगता है कि वही वापस आ गया कुछ और आ गया, वही आ गया ना। इसका मतलब आपने ए बी और प्लस में बी ए का ट्रांसपोज किया वापिस से वही बाहर प्रकट हो गया, तो किसकी निशानी है साइमेट्रिक्स की निशानी है, किसकी निशानी है साइमेट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। अब एक और पॉइंट लास्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट चेक कर लेते हैं कि ए बी और माइनस में बी ए का ट्रांसपोज क्या होता है। तो हमने क्या करा फिर से वही काम करा कि सबसे पहले ए बी का ट्रांसपोज अलग और फिर किसका ट्रांसपोज अलग बी ए का ट्रांसपोज अलग, फिर आपने ट्रांसपोज ट्राई किया तो ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज है उसके बाद ए का ट्रांसपोज, उसके बाद फिर इधर से भी ए का ट्रांसपोज फिर किसका ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज तो खुद ही होता है ए का ट्रांसपोज ए होता है, ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी। आपको क्या लगता है सर वो तो नहीं आया, लेकिन माइनस कॉमन करने पर शायद वो आ जाए। देखो माइनस कॉमन करेंगे ये प्लस में ना और ये किस में, तो हम माइनस को कॉमन करेंगे तो बन जाएगा ए बी और वो क्या बन गया बी ए। लेकिन अब की बार एक काम हो गया, क्या काम हो गया कि अब की बार आया तो वही लेकिन माइनस के साथ आ गया है ना, तो इसका आंसर क्या कहलाता है, किसकी निशानी है इसकी साइमेट्रिक, इसका निशानी है। क्या आपको साइमेट्रिक और इसकी मैट्रिक्स समझ में आ गया, कैसे करते हैं चेक कॉपी कर जल्दी। जो सर्वोत्तम भी होता है और जो निम्नतम भी होता है।